हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका डिवीजन, इनके डिवाइड, भाग, है ना। स्टूडेंट, जो आज की वीडियो है ये हम एक कॉमन वीडियो बना रहे हैं, ये सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस क्लास में भी डिवीजन के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, सेवन्थ हो, एट हो, तो स्टूडेंट जहाँ भी आपको डिवाइड के क्वेश्चन की आवश्यकता है, डिवाइड करेंगे आप, उन सब क्लास के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, इसमें आज हम आपको क्या सिखाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। आज हम आपको डिवाइड की डेफिनेशन बताएंगे, डिवाइड के क्वेश्चन को किस प्रकार चेक किया जाता है करने के बाद, है ना, इसके कितने पार्ट होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ओके स्टूडेंट, ये सब बातें आज हम इसमें आपको सिखाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। ठीक है जी। तो वैसे तो ये 7 यूनिट है स्टूडेंट, जो क्लास फोर्थ के बच्चे हैं वे ध्यान दें, ये यूनिट 7 है डिवीज़न। डिवीज़न क्या है स्टूडेंट? डिवीज़न का मतलब होता है विभाजन करना, यानी कि किसी भी चीज़ को बांट देना। ठीक है जी। तो डिवीज़न इज इक्वल ग्रुपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, यह इसकी स्टूडेंट डेफिनेशन है। यानी कि डिवीज़न क्या है, हमें एक ग्रुप दे दिया, हमें कोई भी क्वांटिटी दे दी किसी भी वस्तु की, है ना, और उसे हम इक्वली शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, इक्वली भी यानी कि बराबर बराबर, तो इसे डिवीज़न कहते हैं। और स्टूडेंट देखिए, हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहेंगे। मान लीजिए आपके पास 9 मार्बल्स हैं, मान लीजिए स्टूडेंट ये मार्बल्स हो गए, गोल या कंचे, है ना। स्टूडेंट आप इन्हें 3 स्टूडेंट में बराबर बराबर बांटना चाहते हैं, है ना। आपके पास 3 स्टूडेंट हैं, है ना, तो आप उनमें इन्हें इक्वल इक्वल करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट कितने आएंगे आपके पास, है ना, 9 है, आपने एक को एक एक स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, है ना, ऐसे आपने इन्हें दे दिए, तो इसे कितने दिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो स्टूडेंट एक पे 3 3 चले गए, है 3 3 का ग्रुप होगा। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए, अगर आप ये 9 थे, 9 मार्बल्स है आपके पास, ओके स्टूडेंट, अगर आप इन्हें 3 से डिवाइड करें, यानी कि 3 जगह बांटने हैं ना इक्वल। स्टूडेंट जो भी कोई चीज़ होती है, अगर हम उसे कि अपने कितने भी दोस्तों में इक्वल बांटना चाहते हैं या किसी को भी देना चाहते हैं, है ना, तो उस जिस संख्या को डिवाइड करना और जितनी जगह डिवाइड करना उससे तो डिवाइड करेंगे, है ना। स्टूडेंट हमें 3 जगह डिवाइड करना था, यानी कि 3 बच्चों में इन्हें बांटना है इक्वल 9 को, तो जिस डिजिट को बांटना है क्वांटिटी को उसे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना, और जिससे हम जितने में बांटना है स्टूडेंट उससे हम डिवाइड करते हैं, तो 3 3 9, तो स्टूडेंट आ गया ना 3 आंसर। तो देखिए, एक बच्चे के लिए हमने एक बच्चे को 3 3 दिए, है ना, तो इक्वल शेयर हो गए ना। तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए ये आपके 11 होते, तो स्टूडेंट 2 बच जाते हैं आपके पास, क्योंकि ये इक्वल शेयर तो नहीं हो रहे ना, तो ये रिमाइंडर रह जाते। मान लीजिए अगर ये 11 होते, हम 3 में डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, 3 3 9, तो 2 रिमाइंडर रह गए हमारे पास, तो ये बच गए, इक्वल शेयर नहीं हो रहे, है ना। तो अगर कोई भी क्वांटिटी आपको दी गई है और आप उसे बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, ग्रुपिंग करना चाहते हैं उसकी, तो स्टूडेंट जितनी जगह आप उसे ग्रुपिंग करना चाहते हैं, जितने भागों में बांटना चाहते हैं उससे उसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे
डिवीजन की डेफिनेशन क्या है? डिवीजन इज ए इक्वल ग्रुपिंग और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि संख्या, जो भी हमें संख्या दी गई है किसी वस्तु की, फल की या कोई भी चीज़ है, मनी है, धन है, कोई भी है चीज़, उसे अगर हमें इक्वल बांटना, तो जितनी जगह बांटना है स्टूडेंट उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे हमने इसे, ये आंसर आ गया हमारा, है ना। तो स्टूडेंट इससे पहले एक डेफिनेशन और ले लेते हैं इसकी, है ना। डिवीजन इज रिपीटेड सबट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, क्या जो डिवीजन होता है, भाग होता है यानी कि, तो वो होता है रिपीटेड सबट्रैक्शन, यानी कि बार बार किसी भी डिजिट को माइनस करना, है ना। तो स्टूडेंट इसे एक डेफिनेशन ये भी है, ये भी हम आपको एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा समझा रहे हैं कि ये रिपीटेड सबट्रैक्शन कैसे है, है ना। मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास 49 है, है ना। आप इसे 7 से डिवाइड कर रही, 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर आपके पास कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, या जीरो भी रख सकते हैं, है ना, जहाँ कुछ भी नहीं होते वो क्रॉस ही होता है। तो स्टूडेंट ये आंसर हो गया। अब ये अगर हम डिवाइड कह रहे हैं कि भाई डिवाइड और रिपीटेड एडिशन एक ही बात है, है ना, हमने आपको ये कहा। तो स्टूडेंट देखिए कैसे कहा हमने, जैसे 49 है, अब आप इसे 7 से डिवाइड करना चाहते हैं और इसका 7 आंसर आया, तो आप अगर स्टूडेंट डिवाइड करना भूल जाता है, या आपको आपसे कोई कहता है सर रिपीटेड सबट्रैक्शन के हिसाब से करिए अपने क्वेश्चन को, भाई क्वेश्चन ने शर्त रख दिया आपके सामने कि भाई से आपको क्या करना, घटा से करना डिवाइड, इसका जो आंसर लाना आपको घटा के लाना, है ना, माइनस करना है। तो स्टूडेंट आप इसमें से 7 माइनस करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट आपने इसे माइनस कर दिया, तो स्टूडेंट देखिए अब कितने बच गए। अगर हम 7 से आगे काउंट करें 8 9, तो 2 बच गए ना आपके पास, 42 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब जब तक 0 नहीं आ जाती तो स्टूडेंट तब तक ये माइनस चलता रहता है, तब तक हम सबट्रैक्ट करते रहते हैं जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। तो स्टूडेंट आप कितने हो गए, 7 से आगे गिन लीजिए 12 तक, कितने हो जाएंगे 5, है ना, एक के इधर चला गया था जी, तो 35 बच गए। अब स्टूडेंट फिर 7 माइनस करेंगे, यहाँ 15 हो गए, 15 में 7 गए 8 और इधर 2 20 है। तो स्टूडेंट आप फिर 7 माइनस करेंगे, तो 8 में 7 माइनस कर दिए 1, अब यहाँ 2 के 2। अब स्टूडेंट यहाँ भी माइनस करेंगे, तो यहाँ कितने रह गए जी 14। फिर स्टूडेंट 7 माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या रह गए 7। अब फिर 7 माइनस करेंगे, तो क्या बची 0। तो स्टूडेंट ये ही रिपीटेड एडिशन है, वो सॉरी सबट्रैक्शन है, ठीक है। अब कितनी बार सबट्रैक्ट हुआ स्टूडेंट, वही हमारा आंसर होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो स्टूडेंट कितने टाइम हमने इसे माइनस किया, 7 टाइम माइनस किया ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो देखिए स्टूडेंट आपने ये किया, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं आप, यहाँ डायरेक्ट ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट फॉर्म में है, ये लॉन्ग है, तो इसका आंसर 7 आ गया। तो इस प्रकार जो डिवीजन इज ए रिपीटेड एडिशन, सॉरी जी सबट्रैक्शन, एडिशन याद आ रहा,
तो स्टूडेंट आप इसे इस प्रकार बार बार माइनस करके भी आंसर ला सकते हैं, है ना। अगर स्टूडेंट मान लीजिए यहाँ पे 50 होता तो यहाँ क्या हो जाता, यहाँ आपके पास वन रिमाइंडर बच जाता, वो रिमाइंडर हो जाता। मान लीजिए कोई संख्या ऐसी है जो पूरी डिवाइड नहीं हो रही, तो स्टूडेंट आप उसे सोचोगे भैया हमें तो माइनस था कि जीरो आंसर रहना। स्टूडेंट कभी कभी कोई रिमाइंडर भी बचता है, जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर होगा, जितनी बार माइनस किया वो उसका आंसर होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि जो डिवाइड के क्वेश्चन को आप माइनस करके भी यानी कि सब्ट्रैक्शन करके भी कर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, या आपको किसी भी क्वांटिटी को बराबर बराबर भागों में बांटना है तो हम उस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, है ना, इन अमंग द फ्रेंड्स, या किसी या टू बिटवीन आ जा, तो उनके किसी भी चीज़ को अपने दोस्तों में बांटना, बराबर बराबर बांट दो, तो अगर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन है तो वे क्वेश्चन सारे डिवाइड के क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी जी, आपको समझ में आ गई होगी हम डिवाइड क्यों करते हैं, है ना, समझ में आ गया कि आप डिवाइड क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट वह किसी भी संख्या को, किसी भी डिजिट को या किसी भी संख्या को बराबर बराबर बांटने के लिए हम उसे डिवाइड करते हैं, और जितनी जिस चीज़ से बांटते हैं, जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, उतने ही भागों में वो बराबर बराबर बढ़ जाती है, जो रिमाइंडर बचता है वो स्टूडेंट वो बच गए, वो आपका शेष हो गया, वो उसे आप इक्वल नहीं डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब देखिए, मान लीजिए आपको हमने कहा था ये 9 जो है ये मार्बल्स है हमारे पास, कंचे हैं, इन्हें हमें 3 चिल्ड्रन में शेयर करना था। ओके स्टूडेंट, तो जो जो भी चीज़ है जिसे हम इक्वल करेंगे या विभाजित करेंगे बांटेंगे, तो स्टूडेंट उसे हम यहाँ लिखेंगे 9, है ना। अब स्टूडेंट हमें 3 में करना, 3 स्टूडेंट में इसे बराबर शेयर करना या बांटना है, तो उसे हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, अब 3 3 9, अब माइनस कर दिया जी, है ना। तो स्टूडेंट जो भी जिस चीज को आप इक्वल कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसे? डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। ए नंबर टू बी डिवाइड इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके स्टूडेंट, एक नंबर जो भी नंबर डिवाइड होगा स्टूडेंट, चाहे यहाँ डिजिट हो या फिर नंबर हो, या बड़ी संख्या हो या छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, वे सब क्या कहलाएंगे, जिसे हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। ठीक है जी, इस बात को याद रखना जरूरी है आपके लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट जिस डिजिट को, नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं जी भाज्य, भाज्य। हिंदी में क्या कहलाता है? भाज्य। जिस संख्या को हम भाग करते हैं वह भाज्य कहलाती है। ओके जी, अब जिस संख्या से आप भाग करते हैं, ये वाला 3, इसे कहते हैं हम डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। ओके स्टूडेंट, ये याद रहना चाहिए आपको कि डिवाइजर क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसे हिंदी में कहते हैं भाजक, भाजक। ये क्या कहलाता है जी? भाजक। जिस डिजिट से या जिस नंबर से आप किसी भी संख्या को भाग करते हैं वह भाजक या डिवाइजर कहलाता है।
ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आएगा आपको। अब जो ये आंसर आया है स्टूडेंट, अब जो भी ये आंसर आता है उसे हम कहते हैं कोशेंट। क्यू यू ओ टी आई ई एन टी कोशेंट, क्या कहेंगे स्टूडेंट? कोशेंट। जो भी आंसर आएगा डिवाइड करके, डिवाइड का जो भी आंसर आता है उसे स्टूडेंट क्या कहते हैं? कोशेंट, है ना। और हिंदी में कहलाता है ये भागफल। भागफल ठीक है जी, ये भागफल होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करने के बाद जो भी नीचे आपका बचेगा रिमाइंडर, ओके स्टूडेंट, रिमाइंडर ओके स्टूडेंट, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा ये कहलाता है जी शेष फल। क्या कहलाता है? शेष फल, फल है फल, ओके स्टूडेंट। ये शेष फल कहलाता है। तो ये पार्ट है स्टूडेंट डिवाइड की, और ये सभी आपस में इनका एक संबंध है, रिलेशनशिप है स्टूडेंट, है ना। इन सब की आपस में रिलेशनशिप है, यानी कि एक दूसरे का एक दूसरे से संबंधित है। अगर हमें दो दिए हैं कोई, 1 2 3 4 है स्टूडेंट, है ना। तो अगर आपको एक निकालना है, इनमें से कोई भी एक दिया हुआ नहीं है, तो आप उसे निकाल सकते हैं बाकी तीन की मदद से, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब हम इसके कुछ स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो डिवाइड होता है उसमें क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, थोड़ा सा इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है जी। ये भी याद रखनी जरूरी है। व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय वन, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय वन द कोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ, ओके स्टूडेंट, द कोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ। तो स्टूडेंट इसे भी एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। क्या कह रहा है आपको हिंदी बता दो पहले इसकी। जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किससे, वन से, ओके स्टूडेंट, अगर हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट वन से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो वो जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो ही नंबर आंसर होता है। आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है ना भाई। आपको हमने क्या कहा, कोई एक नंबर दिया हुआ है हमें, मान लीजिए आपको 6 दिया हुआ है, आप इसको कह दिया ऐसा वन से डिवाइड करना, है ना। दिए हुए नंबर को अगर किसी भी नंबर को हम वन से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट इसने कहा है कि जो ये जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं यही आंसर होगा, यही कहा ना कि यही आंसर होगा, इसलिए हमने इसे ही संख्या को यहाँ लिख दिया, है ना। अगर आप वन का टेबल पढ़े 6 times 1 = 6 तो स्टूडेंट यही आंसर आ गया ना। अगर स्टूडेंट आपको ये बात याद है, मान लीजिए कि भाई वन से डिवाइड करने पर जिस नंबर को डिवाइड करता है वो ही आंसर होता है, तो आपको इसे ऐसे लॉन्ग वे में करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे गए, आपको पता भाई यही आंसर आने वाला, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही लिख देंगे, तो ये आ गया जी आंसर।
ठीक है, लेकिन आपको ये बात याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, अगर आप इसे ऐसे लोगों में करते हैं, अगर आपको याद है कि भाई ये आंसर आपको वन से डिवाइड करेंगे, तो आप इस आंसर को सेम का सेम यहां लिख देंगे, है ना। अब वन फाइव जा फाइव, ब्रिंग डाउन कर लिया टू, वन टू जा टू, जीरो आ गई, फिर ब्रिंग डाउन कर लिया आपने वन, वन वन जा वन, ओके स्टूडेंट, जीरो आ गया, फिर ब्रिंग डाउन कर लिया टू, वन टू जा टू, जीरो आ गई, फिर ब्रिंग डाउन कर लिया आपने वन, और वन वन जा वन, देखो आ गया ना ये आंसर। तो इस प्रकार स्टूडेंट, अगर आपको ये इसकी इसका गुण है डिवाइड का, अगर हम किसी भी डिजिट को वन से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही डिजिट आती है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, इट्स सेल्फ, है ना। तो एक तो प्रॉपर्टी यही थी इसकी। अब ऐसी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखें। व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय इटसेल्फ, क्या कह रहा है स्टूडेंट, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, द क्वेश्चन इज वन, तो आंसर हमेशा स्टूडेंट वन ही आता है, याद रखें। मान लीजिए, देखिए एग्जांपल के द्वारा समझिए, मान लीजिए थ्री है, थ्री डिवाइड थ्री करवा रहे, तो स्टूडेंट अगर हमें पता कि भाई थ्री को थ्री से डिवाइड कर रही, तो क्या आंसर आएगा। अगर अभी हमें प्रॉपर्टी पर याद है, इसकी रूल याद है, तो स्टूडेंट हमें पता चल जाएगा वन ही आएगा। तो हमें याद है थ्री वन जा थ्री आ गया। अब स्टूडेंट मान लीजिए ये डिजिट है और हमें पता है कि भाई ये भी सेम है, ये भी सेम है, अगर दोनों सेम सेम है, उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा वन आएगा, है ना। तो देख लीजिए, सिक्स हंड्रेड एट्टी टू वन जा सिक्स हंड्रेड एट्टी टू आ गए। इसी प्रकार स्टूडेंट कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो, आपको बस इतना याद रखना है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो आंसर हमेशा वन आएगा, ठीक है जी। तो अब है जी थ्री प्रॉपर्टी, व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, क्या है जी, व्हेन जीरो इज डिवाइडेड एनी नंबर, जब हम किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है जी। तो इस बात को याद रखें, अगर आप जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी डिजिट हो, तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है जी। तो नंबर थ्री, अब नंबर फोर भी है स्टूडेंट, डिविजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए स्टूडेंट आपको कोई नंबर दे दिया, उसे आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो स्टूडेंट ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि आप किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करें। जीरो से डिवाइड करने का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ जीरो लिख दिया तब भी यहाँ जीरो है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तब भी जीरो ही है। तो स्टूडेंट जी यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड होने का ही नहीं, तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टूडेंट इन बात को याद रखें, ठीक है जी। अब जो इसकी डेफिनेशन थी और इसकी प्रॉपर्टीज थी, इसके बारे में जो भी बातें थी, वो स्टूडेंट हम आपको समझा चुके, अब हम आपको डिवाइड करना सिखाएंगे, ठीक है जी। अब आप ध्यानपूर्वक
देखिए डिवाइड करने के स्टेप क्या क्या होते हैं, और अगर आपने स्टूडेंट इस स्टेप को फॉलो किया, अगर स्टूडेंट आपने स्टेप को फॉलो किया तो आपका डिवाइड का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। जहाँ भी आप चूक जाएंगे, आपकी आपका ध्यान हट जाएगा, आप स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, तो वहीं आपका जो डिवाइड का क्वेश्चन है गलत हो सकता है, अदरवाइज नहीं होनेगा। ठीक है जी, तो हम देखते हैं स्टूडेंट एक डिवाइड करने के लिए हमें किन किन स्टेप की आवश्यकता होती है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट पहले एक थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। मान लीजिए आपको 28 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है जी, आपको 28 को 4 से डिवाइड करना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सबसे पहला काम आपको क्या होना चाहिए, आपको डिवाइड का क्वेश्चन दे दिया गया, सबसे पहले स्टूडेंट आपसे टेबल आने चाहिए जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं, है ना। जो भी आपका डिवाइजर है, ये आपका डिवाइजर है, ये आपका डिवाइडेंट है। ओके स्टूडेंट, तो आपको सबसे पहले उसका टेबल आना चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट टेबल के लिए आपको, डिवाइड के लिए आपको टेबल याद करने होंगे। देखिए जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो यूनिट 6 की थी, कि आपको कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई हो उसे उसको करने के लिए सिर्फ 9 तक के टेबल की आवश्यकता होती है। लेकिन स्टूडेंट डिवाइड में ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लिमिट हो, इसमें स्टूडेंट कोई भी लिमिट नहीं है, है ना। तो इसमें आपको डिवाइड के लिए टेबल आने ही चाहिए। स्टूडेंट आपको ज़रूरी नहीं है कि टेबल याद ही हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई चलो थर्ड फोर्थ है या फर्स्ट सेकंड है स्टूडेंट, उसमें जो डिवीजन होता है वे ज़्यादा ज़्यादा 2 डिजिट के आते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इससे ऊपर चले थर्ड फोर्थ में जाएं तो स्टूडेंट 3 डिजिट्स के भी आते हैं, 4 के भी आते हैं। तो लेकिन स्टूडेंट फिर हमसे टेबल तो याद नहीं होते इतने बड़े। अगर 3 डिजिट का साफ डिवाइड कर रहे, मान लीजिए 360 से डिवाइड कर रहे, है ना, क्या आपने कभी 360 का टेबल याद किया, है ना। तो स्टूडेंट कोई भी हो, चाहे टीचर ही क्यों ना है, अगर उसे कहा जा कि भाई 877 से डिवाइड कर दीजिए, क्या उनके टेबल याद है 877 का। तो स्टूडेंट आप अगर उनसे पूछ के देखेंगे तो उनके भी याद नहीं है, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिवाइड के क्वेश्चन होते हैं वे बिना टेबल को याद किए भी हो सकते हैं, है ना भाई। जब 877 का टेबल आपके टीचर के भी याद नहीं है जो आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, तो कोई भी या 4 डिजिट का ले लो, 5670 से डिवाइड करना, मान लीजिए वो टेबल याद है किसी के, नहीं है, तो फिर भी स्टूडेंट फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जो स्टूडेंट के टेबल याद नहीं है तो वे इस बात से बिल्कुल भी ना डरे ना घबराएं कि भाई हमसे टेबल नहीं आते तो हमसे डिवाइड के क्वेश्चन नहीं होने के, होंगे स्टूडेंट ज़रूर होंगे, कैसे होंगे वो हम आपको बताते हैं। अगर स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे, चैनल को सर्च करने के बाद यूट्यूब पे, तो उसमें स्टूडेंट लोगों का जो चैनल का नाम होता है ना उसका लोगो आता है बी लिखा हुआ, आप उस पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करके स्टूडेंट बीच में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, आप उस पर प्लेलिस्ट पे जाइए। ठीक है जी, प्लेलिस्ट पे जैसे आप जाएंगे तो उसमें सिर्फ हमारी ही वीडियो खुल जाएंगी सारी जो हमने इसमें डाली हुई है। स्टूडेंट उसमें हमने आपको टेबल बनाने सिखाए हुए हैं उन वीडियो में कि हम टेबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आप 1 table 3 मेथड के नाम से वीडियोज़ हैं स्टूडेंट, आप वहाँ पे जाकर टेबल बनाना सीख सकते हैं। आप अगर छोटे टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट 2 से लेके 10 तक, तो आप बाई काउंटिंग भी बना सकते हैं या बाई एडिशन, ऐड के द्वारा या काउंटिंग के द्वारा।
स्टूडेंट ज़्यादा अगर आप इस 11 से आगे बना रहे हैं तो स्टूडेंट आप एडिशन के द्वारा बना सकते हैं, मैजिक के द्वारा बना सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दो तीन मेथड है वहाँ पे जो आपको अच्छा लगे टेबल बनाने के लिए, उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे। मान लीजिए स्टूडेंट अगर हमें इस क्वेश्चन को आप डिवाइड करना, तो स्टूडेंट डिवाइड कैसे करेंगे, जो भी क्वेश्चन ऐसे दे रखा उसे सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए, ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर है, याद रखें स्टूडेंट। अब हमें फोर का टेबल नहीं आता बनाना, मान लीजिए हमसे फोर का टेबल नहीं आता या आता था हमसे भूल गए भी, कहीं याद नहीं रहा, आप मिस हो गए कोई, है ना। तो आप स्टूडेंट ऐसे बना सकते हैं, जैसे फोर का टेबल है आप बाय काउंटिंग के द्वारा बना सकते हैं। सबसे पहला काम आप यही करेंगे, आप कॉपी पे वो टेबल बना लीजिए। देखो फोर है, फोर से आगे 5, 6, 7, 8 है जी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। तो स्टूडेंट ये आपका टेबल तैयार हो गया। अगर आप काउंटिंग के द्वारा इस प्रकार को 10 तक के टेबल आप बना सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इन्हें बनाने के लिए आपको 100 तक की काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी टेबल 10 तक का इस प्रकार बना सकते हैं स्टूडेंट, आगे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको आगे तक की भी काउंटिंग आनी चाहिए, लेकिन फिर ये लंबा हो जाएगा काफ़ी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर इस मेथड से बनाएं आप तो 9 तक के टेबल ही बनाएं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब अगर मान लीजिए कहीं आपसे काउंटिंग में गलती होगी भूलवश, तो आप देख लीजिए स्टूडेंट 10 से हमेशा 40 होता है, जो पहली डिजिट होती है ना 1 जा 1 जा का आगे एक जीरो लगा दीजिए, वही 10 जा आता है। ठीक है, अगर 4 का आगे हम एक जीरो लगा दें तो 10 जा हो जाएगा स्टूडेंट, यही आ जाएगा। अगर ये नहीं आता लास्ट में 10 नंबर पे, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं गलती हो गई, अगर आता है तो आपका टेबल सही बना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप देखिए, आप ये क्या है, 2 है, 2 नो जो 2 है स्टूडेंट, ये डिवाइड नहीं हो सकता 4 से, क्योंकि डिवाइड करने के लिए हमेशा बड़ी डिजिट या बड़ा नंबर होना चाहिए डिवाइजर से। ठीक है, अब ये 2 छोटा है, तो अगर ये कम है स्टूडेंट, जो बराबर वाली डिजिट है इन दोनों का पेयर बना लें तो क्या होगा जी, 28 हो गया, है ना। अब 4 का टेबल हमें 28 पर पढ़ना है, रीड करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए कहाँ है, 28 है जी, ये रहा। ठीक है, तो कितनी बार आया जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टाइम आया, तो 4, 7 जा 28। ओके स्टूडेंट, पूरा पूरा डिवाइड होगा कंप्लीटली। अब इसे माइनस करते हैं, 8 में से 8 माइनस कर दिया, 0। हमेशा वंस की साइड से माइनस करेंगे, कभी भी साइड लेफ्ट साइड से माइनस नहीं करते, राइट साइड से ही करते हैं। अब 2 में से 2 गए, 0। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा सवाल सोल्व हो गया। अब स्टूडेंट इसका एक चेकिंग वे है, है ना, आप इसे चेक कर सकते हैं अपने सवाल को। तो ये क्या है आपका डिवाइडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट, और ये आपका रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट, अब इसे चेक कैसे करते हैं, CHECK चेक। अगर आपको इसे चेक करना, तो स्टूडेंट हमें ये निकालना होता है डिवाइडेंड। ठीक है, क्या निकालना होता है, डिवाइडेंड। आप यहां लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 4 मल्टीप्लाई कोशेंट 7। ये स्टूडेंट पहले लिख ही देते हैं, मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी, तो अब स्टूडेंट डिवाइज आपका डिवाइजर क्या है, 4 है,
कोशेंट क्या है जी? 7। रिमाइंडर क्या है जी? 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 × 4 = 28। अब इसमें क्या करेंगे, 28 में जो भी रिमाइंडर है स्टूडेंट वो प्लस कर देंगे। अगर 0 है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आपको पता है 0 ऐड करेंगे तो सेम आंसर आएगा, लेकिन हम फिर करके दिखा रहे हैं आपको। तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये क्या आया, डिवाइडेंट आया ना, डिवाइडेंट ये था हमारा। तो स्टूडेंट ये आपका सवाल सही है, अगर ये आंसर और ये आंसर एक हो तो आपका सवाल सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है जी, तो ये आपका चेकिंग वे है कि आप डिवाइड के क्वेश्चन को किस प्रकार चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लीजिए क्वेश्चन है जी, अब इसे आपको डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका डिविडेंट है स्टूडेंट उस नंबर को आप यहां लिख लेंगे। अब जो आपका डिवाइजर है उसे आप यहां लिख लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या देखना होता है, ये देखना होता है कि आपसे ये टेबल आता है 21 का। तो स्टूडेंट अगर नहीं आता तो आपको ये टेबल आपको बना के रफ कॉपी पे लिख लेना होगा। ठीक है जी, वैसे चलो हम आपको इसे मैजिक से बना के दिखाते हैं 21 को। वैसे तो स्टूडेंट आप 21 को आप 10 बार लिख लीजिए और फिर इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से इन सब से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएंगे वो 21 का टेबल ही होगा। ठीक है, या आप ऐड भी कर सकते हैं, 21 में 21 ऐड कीजिए, जो आंसर आए फिर उसमें 21 ऐड कीजिए, जो आंसर आए फिर उसमें 21 ऐड कीजिए। स्टूडेंट जो आंसर आते रहेंगे वही 21 के टेबल होंगे। ठीक है जी, अब हम आपको मैजिक से बता रहे हैं। स्टूडेंट पहले आप 2 का टेबल लिख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 लिख दिया स्टूडेंट। अब 1 का टेबल लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और स्टूडेंट यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि जो भी मगंजा होता है उसका आगे 0 आके 10 जा हो जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे स्टूडेंट, सबसे पहले डिजिट क्या है, यहाँ पे बड़ी डिजिट होनी चाहिए, जो इससे बड़ी हो तो तभी डिवाइड होगा, अगर छोटी है तो हमें अगले वाली जो डिजिट होती है उसे उसके साथ पेयर बनाना होता है। तो स्टूडेंट क्या हो गया, 34 हो गया, 21 था, ये अधिक हो गया 21 से। ठीक है जी, तो अब इस पर चल सकते हैं। अगर स्टूडेंट ये मान लीजिए यहाँ इससे बड़ी संख्या है ये चलती नहीं, तो हम नेक्स्ट डिजिट भी ऐड कर लेंगे, ये भी ऐड कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर सिंगल पे ही चल रही ना, तो सिंगल पे ही हम अप्लाई करेंगे, 2 पे चलिए 2 पे अप्लाई करेंगे, अधिक डिजिट नहीं पेयर बनाएंगे। ठीक है जी, अब कितना होगा, हमने ये पेयर बना लिया 3 और 4 का, क्योंकि 3 कम रह गए थे, तो अब 34 हो गया। ठीक है जी, तो हम 21 का टेबल अप्लाई कर सकते हैं 34 पे, ये डिवाइड हो सकता है। अब स्टूडेंट इसमें देखेंगे कि कहीं 34 है क्या, तो स्टूडेंट आप देखेंगे इसमें कहीं भी 34 नहीं है। तो आप याद रखें यह बात, अगर किसी भी टेबल में पूरी डिजिट मैच नहीं कर रही, पूरा नंबर मैच नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट जहां उससे ज़्यादा हो जाए उससे एक कम चलाएंगे। पहले आपको ये ज़रूर देखना है कि ज़्यादा कहां हो गया, अधिक कहां हो गया, तब उससे एक कम चलाना। तो स्टूडेंट देखेंगे 21 × 21, 2 × 42 और ये कितने थे 34, 2 × अधिक हो गया तो इसलिए हम 1 चलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ ज़्यादा हो जाएगा उससे एक कम चलाएंगे, तो 2 × अधिक हो गए थे इसलिए यहाँ 1 चलाएंगे, यही स्टेप है, ये याद रखनी है। तो 21 × 21 और ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये लास्ट वाली डिजिट तक करेंगे। अब यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे स्टूडेंट, 1 की साइड से माइनस करेंगे, तो 4 में से
आपने वन माइनस कर दिया, कितने हो गए जी, थ्री। अब स्टूडेंट थ्री में से आपने टू माइनस कर दिया, कितने हो गए वन। तो क्या आ गया जी, ये आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका थर्टीन आ गया। तो स्टूडेंट याद रखे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपके डिवाइजर से छोटा होना चाहिए हमेशा, चाहे जीरो ही क्यों ना हो। अगर यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 21 आ गया है ना, तो अगर इक्वल आता है यहाँ दोनों, तो आपने क्वेश्चन को जो आपने टेबल अप्लाई किया स्टूडेंट वो गलत किया है ना, तो आपका सवाल गलत होगा। हर बार आपने चेक कर सकते हैं। तो रिमाइंडर जो आपका बचा वो डिवाइजर से कम होना चाहिए हमेशा, कम है ना। अब स्टूडेंट क्या कहते हैं, जो अभी हमारे पास डिजिट बची होती है उस डिजिट को जो भी रिमाइंडर बचा होगा उसके बराबर में लाएंगे, है ना, उसके साथ अलोंग। तो इसे हम टू को कहाँ पे लाएंगे स्टूडेंट, थर्टीन के बराबर में, अलोंग विथ थर्टीन टू को। तो स्टूडेंट हमने से यहाँ लाए, तो स्टूडेंट हम इसे यहीं टू को यहीं क्यों लाए, यहाँ पे क्यों नहीं किया, हमने से डिवाइड हल्का यहीं कर लेते जैसे से कर लिया था, क्योंकि स्टूडेंट हमें जो ये 13 है ना इस पर टेबल अप्लाई करना 21 का, और 21 कम रह गए थे, जिस प्रकार 3 कम रह गए थे ना, 4 ऐड करे थे, इसी प्रकार ये 13 कम रह गए 21 से, तो इसलिए हम 2 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसकी बराबर में। तो स्टूडेंट इस 13 को 21 से अधिक करने के लिए हमने इस 2 को इसकी रिमाइंडर की बराबर में उतारा, बराबर में लिखा है ना। तो स्टूडेंट हमेशा ऐसे ही जो आप ऊपर से डिजिट को ब्रिंग डाउन करके नीचे लाएंगे, तो स्टूडेंट उसे आप हमेशा रिमाइंडर की बराबर में लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे यहीं पे कर देता है, नीचे नहीं लाते, वो गलत हो जाता है। अब कितना हो गया, 132 हो गया स्टूडेंट, ये इससे अधिक है ना। अगर ये इससे अधिक है, अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि इसमें कहीं 132 है स्टूडेंट, है नहीं, 126 है, और उसके बाद में 147 है, 147 अधिक हो गए और 126 कम है। तो हमने स्टूडेंट बताया था आपको, जो भी अधिक हो जाएगा उससे कम चलाएंगे, अगर इक्वल नहीं है तो स्टूडेंट यहाँ तक चलेगी। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जा चल गई। ओके स्टूडेंट, अगर आप इस तरह टेबल नहीं बनाते तो आप जोन सी भी आपको देखनी होती है इस प्रकार भी कर सकते हैं। आप सोच रहे भाई सिक्सा चलेगी है, तो आप सिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लो, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, तो ये आंसर आ गया। तो सिक्स को आप यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे। टू में से सिक्स माइनस नहीं हो सकते स्टूडेंट, एक इधर से ले लिया तो यहाँ ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व में से सिक्स गए, सिक्स बच गया आपके पास, क्या रह गए थे टू, टू में से टू माइनस करके जीरो आ गई, वन में से वन माइनस करके जीरो आ गई, ठीक है जी। अब स्टूडेंट आप देखेंगे जो आपका रिमाइंडर बचा वो 21 से कम है, तो ठीक है जी, देख लेना हमेशा। अब आपके पास क्या बच रहा है डिजिट, वन, तो आप वन को ब्रिंक डाउन करके सिक्स के बराबर में लाएंगे। तो स्टूडेंट क्यों लाए हम यहाँ पे इसे, क्योंकि हमें इस सिक्स को इस 21 से अधिक करना है ताकि टेबल अप्लाई हो सके। तो स्टूडेंट आप देखिए इसमें कहीं 61 है, नहीं है, 63 है स्टूडेंट, 63 अधिक हो गए तो हम 3 जा ज़्यादा हो गए, 2 जा चलाएंगे, और 21 2 जा कितने होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2 और फिर यहाँ ये लिख देंगे। अब वन में से टू माइनस नहीं हो गए कि इधर से ले लेंगे, 11 हो गया स्टूडेंट। अब 11 में से आप टू माइनस कर दीजिए, 9 बच जाएगा है ना, एक के लिए इधर चला गया, यहाँ रह गया 5 में से 4 माइनस कर दीजिए, 1 बच गया। अब स्टूडेंट ये आपके पास रिमाइंडर बच गया, ये 21 से कम है ना। अब इस स्टूडेंट आपके पास यहाँ कोई डिजिट नहीं है कि आप उसे 19 के बराबर में ला के इससे अधिक कर सकें, तो ये क्वेश्चन आपको यही छोड़ना होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो ये आपका क्या है जी, डिविडेंड, ये कोशेंट, ये डिवाइजर और ये रिमाइंडर। अभी स्टूडेंट आप चाहते हैं कि भाई हमारा हमारे पूरे नंबर आने चाहिए, हमारा एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, हमारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए, आप पूरा विश्वास चाहते हैं अपने क्वेश्चन पे, है ना। तो स्टूडेंट आप इसे चेक करके देखिए, चेक करने का तरीका क्या है, हमें डिवाइडेंट निकालना है। स्टूडेंट डिवाइडेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट फॉर्मूला यही लगेगा आपका, ठीक है जी। अब कर लीजिए, अब वन से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर की सेम डिजिट आती है, जो वन के नीचे होते हैं उसके नीचे क्रॉस लगाते हैं। स्टूडेंट हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप यहाँ क्रॉस क्यों लगाते हैं, जो प्रीवियस वीडियो थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस कहाँ से आया और क्यों लगाते हैं, ठीक है जी। अब टू वन जे टू टू जा फोर, टू सिक्स जा ट्वेल्व, कैरी वन, टू वन जा टू और वन थ्री, टू टेन फोर थ्री, तो ये आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, है ना, अब जो हमारे पास रिमाइंडर है उसे ऐड करेंगे। रिमाइंडर कितना है जी हमारे पे, 19 ऐड कर दो, कितने हो गए जी, 11 वन 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 टू फोर थ्री। तो स्टूडेंट देखिए, हमें डिविडेंड निकालना था, दोनों सेम है, 34 21 34 21। तो स्टूडेंट ये आंसर क्वेश्चन भी हमारा सही है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि डिवाइड के क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं, इनके स्टेप क्या होते हैं। वैसे तो स्टूडेंट आगे जो क्वेश्चन समझाएंगे, कुछ क्वेश्चन और हैं जिनमें कुछ रूल्स और आएंगे आगे, जैसे जीरो का रूल्स है, है ना। अगर आपने कोई नंबर ऊपर से नीचे, कोई भी डिजिट नंबर ऊपर ब्रिंग डाउन करके नीचे लाए, तब भी आपका टेबल अप्लाई नहीं होता, तो आपको क्या करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। स्टूडेंट फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आते, तो आप उसके लिए कॉल भी कर सकते हैं और या वही व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।